युवा आज प्रदेश की और देश की एक यानी आवाज है और उसमें हर आदमी अपने अपने हिसाब से युवाओं को आकर्षित करता है। हमने युवाओं को रोजगार के नाते से आकर्षित किया है, हमने रोजगार के प्रबंध उनके किए हैं। पहली बात तो कि जितना पिछला बैकलॉग था उसको पूरा करने के लगे हैं। लगभग 80,000 नौकरियों के आवेदन यानी हमने मांग लिए हैं, जिसमें से कोई 38,000 नौकरी हम दे चुके हैं, बाकी 38-40,000 अगले आने वाले समय में। 18,000 का रिजल्ट तो कभी भी डी ग्रुप का ही है, कभी भी आ सकता है। तो इस नाते से नौकरियां हम पर्याप्त दे रहे हैं। इतनी नौकरियां पिछले 5 साल के एक कार्यकाल में, पिछले तीनों कार्यकाल में नहीं हुई, 2 कार्यकाल हुड्डा सरकार के और 1 कार्यकाल चौटाला सरकार का, तीनों में जितनी नौकरियां हमने 4 साल में दे दी हैं, इतनी नौकरियां उन्होंने कहीं नहीं दी है। दूसरा, हमने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, खास करके ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनको खाली रहने के बजाय हमें 100 घंटे के काम के बदले 7,000 रुपया, 7,500 रुपया और 9,000 रुपया स्टाइफंड देकर के उनको लगभग 60,000 लोगों को उनको काम दिया है। इसी प्रकार स्किलिंग का काम, ये कुछ केंद्र सरकार के स्किलिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ हमने स्किलिंग यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर भी जो लोगों को काम की सिखलाई कराई है, उसके माध्यम से भी लोगों को प्राइवेट रोजगार या स्वयं रोजगार करने की जो स्थिति उनकी बनी है उसमें बना है। उद्योग हमारे यहाँ जो आया है लगभग 20,600 के आसपास जो लघु उद्योग है, छोटा उद्योग, वो इस प्रदेश में आगे बढ़ा है, जिसके अंदर 1,40,000 के आसपास लोगों को काम मिला है। तो इस हिसाब से हम 2.5 लाख लोगों तक अवसर जो है प्रदान करा चुके हैं। मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जो हमारी गति बन गई है, कोई युवक बेरोजगार नहीं रहेगा, इस नाते हम आगे काम